नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यदि किसी में जरा सा भी सच सुनने की ताकत है, यदि कोई दोस्त क्रिप्टो में आंखें ओपन करके चलता है, तो वही व्यक्ति आज के इस वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि बिटकॉइन की होल्डिंग के बाद में यह पहला वीडियो है और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन के बारे में एक बहुत बहुत बड़े लेवल की गेम प्लानिंग बताने वाला हूं। और यदि किसी के पास में मीम और यूनिकॉइन है तो भी और नहीं है तो भी इस वीडियो को हाथ से ना जाने दे। साथ ही में एक और जबरदस्त कॉइन के बारे में बात करने वाला हूं जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भूचाल देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर जो समय आप इस वीडियो को देखने में देंगे वो आपका 0% भी बर्बाद नहीं होगा और आपको इसका पता लास्ट तक चल जाएगा। आगे आप सभी की मर्जी, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के और होल्डिंग के बाद के सबसे सबसे पावरफुल हॉट टॉपिक को लेकर। और यही टॉपिक फ्रेंड्स ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एक बहुत बहुत बड़ी बात हमारे को समय से पहले बता रहा है और वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। अभी मैंने इसका चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पर और यह चार्ट फ्रेंड्स आज से 7-8 दिन पहले आप सभी के साथ में शेयर किया गया था। सेम वही चार्ट है। इसी चार्ट के माध्यम से बहुत कुछ यूनिक बातें बताने जा रहा हूं, ढंग समझने का प्रयास करिएगा। मैंने जब आज से 7-8 दिन पहले शेयर किया था तो फ्रेंड्स इसके अंदर इस प्रकार से एक असेंडिंग ट्रायल देखने को मिल रहा था और मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर बार रेजिस्टेंस यहां पर मिल रहा है और इस रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद में ये इन लेवल्स देखने को मिलेगा। इसके प्रूफ की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों यहां पर समझने की बात यह है कि इसका ब्रेकआउट करने के बाद में इसके अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली और उसके बाद में फर्दर यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की ओर आ रही है। अब यहां पर जो चीज हुई है वो बहुत ही कमाल की हुई है। देखिए, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली और यह रेड कैंडल क्लोज हुई इस जोन के अंदर। यहां पर क्लोज होने के बाद में दो ग्रीन कैंडल बनी और ये दोनों ग्रीन कैंडल क्या कहती है, रिट्रेस करने के लिए इसके आसपास गई और उसके बाद फर्दर यहां से बिटकॉइन डोमिनेंस की वैल्यू गिरी और गिरने के बाद में यहां पर देखिए इसी जोन के अंदर यह वाली कैंडल क्लोजिंग हुई डेली टाइम फ्रेम पर। और मेरे भाई उसके बाद में अभी भी जो कैंडल चल रही है आज की बिटकॉइन डोमिनेंस की डेली टाइम फ्रेम पर वो भी रेड देखने को मिल रही है। अब मेरे भाई यदि यह कैंडल भी इसी जोन के अंदर क्लोज होती है तो हमारे को यहां पर साफ साफ संकेत मिल रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे फिसलते फिसलते यहां तक आ सकती है। अब इसके अंदर एक और चीज मेरे भाई, यदि यहां पर इस लेवल से नीचे डेली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर एक कैंडल भी क्लोजिंग हुई तो मेरे भाई ऐसी स्थिति में बिटकॉइन डोमिनेंस की जो वैल्यू है वो हमारे को इस जोन से या इस जोन तक देखने को मिल सकती है, यानी कि इतनी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। अब यदि बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आती है तो यह हमारे को साफ साफ समय से पहले बता रही है कि यहां पर जो कैश थर्ड है वो लागू हो सकता है। कैश थर्ड क्या कहता है, देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आनी चाहिए और जो कि फ्रेंड्स हमारे को आते हुए देखने को मिल रही है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कौन सी स्थिति के अंदर यहां पर इतनी दूरी तय कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन की प्राइस यदि ऊपर जाती है। अभी बिटकॉइन की प्राइस के बारे में बताने वाला हूं कि ऊपर जाएगी या नीचे, तब फ्रेंड्स आप इस केस को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जितने भी ऑल्ट कॉइंस हैं जिनके अंदर आपने डंप के बाद में 30% 40% का पंप देखा है, फ्रेंड्स वो कुछ नहीं है, वो एक ट्रेलर है। उसके बाद में यहां पर एक सुपर रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या यहां पर हमारे को इसी केस के अकॉर्डिंग सारी बातें सोच लेनी चाहिए? नहीं मेरे भाई, यहां पर देखिए ये जो केस है ना, केस सेकंड, वो कैश सेकंड अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पर बना हुआ है, यानी कि खतरा बना हुआ है। प्लीज मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फोमो ना करे, वो बात अलग है। तो कैश थर्ड है वो अभी छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग बन रहा है। मेरे भाई यहां पर अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आपने समय से बहुत पहले इसके बारे में बताया भी था या नहीं और उस टाइम पर क्या हुआ था, तो इस बात का कोई प्रूफ है? यस मेरे भाई, प्रूफ है और वही मैं आपको वीडियो के अंदर और समय से बहुत पहले बताता हूं, तो इस बात का प्रूफ देख लीजिए भाइयों। यहां पर इसके अंदर तीन केस है लेकिन दो केस को समझने का ज्यादा प्रयास करिएगा, दूसरा केस और तीसरा केस। दूसरे केस को समझते हैं, यदि बिटकॉइन डोमिनेंस की वैल्यू बढ़ती है जो कि यहां पर देखने को मिल रहा है कि बढ़ सकती है, अरे भाइयों यहां से लेकर यहां तक भी बढ़ती है ना तो भी, और यहां के बाद में यहां तक भी बढ़ती है तो भी, तो ऐसी स्थिति में बिटकॉइन की प्राइस जहां चल रही है वहां से वेल्स नीचे लेकर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है बिटकॉइन के अंदर, तो ऐसी स्थिति में दूसरा केस लागू होगा। तो ये दूसरा केस लागू होते ही जितने ऑल्ट कॉइंस आपको अभी गिरते हुए देखने को मिल रहे ना उसे भी तेजी से गिरते हुए और देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको किसी को भी डरा नहीं रहा हूं, ना ही टेंशन दे रहा हूं, मैं आपको समय से बहुत पहले यह बात बता रहा हूं कि आपको फोमो को डिलीट करने की आवश्यकता है और 1% केस के अंदर थोड़ा नेगेटिव भी सोच चलना है यदि क्रिप्टो के अंदर आए ऐसी स्थिति में। तो आपने देखा मैंने आपको साफ साफ बोला था कि यदि यहां से लेकर
यहां तक की दूरी बिटकॉइन डोमिनेंस कवर करता है या फिर इसके बाद में यहां तक की दूरी भी बिटकॉइन डोमिनेंस कवर करता है। अरे देखिए ना कमाल की बात कि जिस लेवल के बारे में बताया था उस लेवल तक बिटकॉइन डोमिनेंस गया और उसी लेवल से नीचे गिरा। और मेरे भाई जब यहां से यहां तक बिटकॉइन डोमिनेंस गया ना तब आप जाकर देख लीजिएगा इसी टाइम पीरियड के अंदर ऑल्टकॉइंस के अंदर मैंने आपको बोला था कि सेकंड केस लागू होगा और लागू होते ही जो आप अभी ऑल्टकॉइंस गिरते हुए देख रहे हैं वो कुछ नहीं है उससे भी ज्यादा गिरेंगे। और मेरे भाई उससे भी ज्यादा गिरे थे 20-30% ऑल्टकॉइंस और गिरे थे मेरे इस चीज के बताने के बाद में। सब कुछ आपके सामने है बस आपको सोचने की जरूरत है और आपको अच्छे से अपना प्लान बनाने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों यहां पर अब इसी चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन में क्या हो सकता है इसके लिए बिटकॉइन का चार्ट ओपन करना चाहूंगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले तो इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि बिटकॉइन की होल्डिंग में जब सिर्फ 4 दिन का समय रह गया था तब मैंने आपको समय से बहुत पहले बिटकॉइन के बारे में क्या बोला था। फ्रेंड्स इस चार्ट के अंदर यहां पर ये जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है याद रखना यही एक सबसे खतरनाक चीज है प्रेजेंट टाइम पर क्रिप्टो बिटकॉइन के लिए। ठीक है आने दीजिए क्यों मेरे भाई क्योंकि यहां पर एक एम चार्ट बन रहा था ब्रेकडाउन हुआ रिटेस्ट कर रहा है अब आता है तो मेरे भाई आने दीजिए यहां इस जगह देखने को सेकंड बड़ी लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। और मेरे भाई याद रखना बिटकॉइन इस डबल बटन को कभी भी बना सकता है। तो आपने प्रूफ देखा मैंने आपको साफ साफ बोला था कि बिटकॉइन की होल्डिंग में अब सिर्फ 4 दिन का समय रह गया है और यहां पर इस प्रकार से एक एम चार्ट पैटर्न बन चुका है रिटेस्ट हो रहा है। और मेरे भाई इसके ऊपर जरा सा भी बिलीव करने की आवश्यकता नहीं है यदि यहां से नीचे आया तो ऐसी स्थिति में यह फिर से गिरेगा और यहां पर आएगा तो मैं सेकंड फ्यूचर्स की ट्रेड लूंगा और यहां पर यह डबल बॉटम बना सकता है। और आपने इस बात का सबसे जीता जाता प्रूफ देखा मेरे भाई यहां पर ट्रेड ली लेने के बाद में यहां से यहां तक टोटल स्पॉट में बिटकॉइन में 12% की रैली देखने को मिली और यह ट्रेड फ्यूचर्स की दी गई थी। यदि सिर्फ 3x लेवरेज यूज किया तो यहां पर फ्रेंड्स कितना मनी बना 36%। तो जो कुछ हो रहा है ना वो आपके सामने है फिर भी यदि आप सिर्फ नेगेटिव कमेंट करते हैं अरे करिए बहुत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। तो अब मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहली बात मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं जब तक बिटकॉइन की प्राइस इस प्रकार के चैनल के अंदर मूव कर रही है तब तक खतरे की घंटी अपने चरम पॉइंट पर है। और जो व्यक्ति शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता है वो व्यक्ति भले ही मार्केट से आउट हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स ये जिस जोन में मूव कर रहा है ये जोन सबसे सबसे खतरनाक है। भले अभी आपको बहुत कुछ हल्के में लग रहा होगा आपको कुछ चीजें बकवास लग रही होगी लेकिन फ्रेंड्स इसका इंपैक्ट नीचे की तरफ यदि जाता है तो कितना बुरा हो सकता है वो आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको यहां पर बहुत कुछ बताने जा रहा हूं ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पर इस प्रकार से इसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस मूव कर रही है बात सही है लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से एक जबरदस्त असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस मूव कर रही थी और यह असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश है लेकिन फ्रेंड्स यह बुलिश तरीके से काम नहीं किया क्योंकि फ्रेंड्स समय से बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो कि बुलिश तरीके से काम ना करके आपको ट्रैप करने के लिए नीचे के लिए ब्रेकआउट करते हैं। और मेरे भाई ब्रेकआउट करने के बाद में इसकी प्राइस हमारे को यहां पर देखने को मिली आप देख सकते हैं कि इसके आसपास इसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार सपोर्ट बनाया लेकिन फ्रेंड्स फाइनली ब्रेकडाउन करने के बाद में यहां तक हमारे को बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिली। अब देखिए ये ब्रेकडाउन होने के बाद बिटकॉइन की प्राइस यहां पर आई और उसके बाद में रिकवर करते करते वापस से बिटकॉइन की प्राइस यहां पर चली गई है। अब इसी जोन के अंदर फ्रेंड्स दो जबरदस्त रेजिस्टेंस जोन है जिसके अंदर पहला एरिया ये वाला है। अब देखिए ये जो पहला एरिया है इसके आसपास बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी है और यहां पर पूरा दम लगा रही है साथ ही में यहां पर एक और बुलिश चीज देखने को मिल रही है। तो यहां पर यदि इसका ये ब्रेकआउट करता है रिटेस्ट करता है देन यहां से मैं पहले लोगों की ट्रेड लूंगा और लेने के बाद में मैं बिटकॉइन को पहले इस लेवल तक फिर इस लेवल तक और मैक्सिमम यहां तक होल्ड रखने वाला हूं। और इसका ब्रेकआउट करने के बाद में यह सेकंड रेजिस्टेंस एरिया आता है जहां तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिरकार यहां से यहां तक बिटकॉइन की प्राइस जा क्यों सकती है। मेरे भाई यहां पर देखिए ये क्या बन रहा था एक एम चार्ट पैटर्न बन रहा था इसका ब्रेकडाउन होता और ब्रेकडाउन के बाद फ्रेंड्स रिटेस्ट हुआ ये मान लीजिए यहां से रिटेस्ट मान लीजिएगा और रिटेस्ट के बाद में क्या हुआ वापस से प्राइस नीचे गई। मेरे भाई मैं वही तो बात बता रहा हूं कि यहां पर ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है इसका ब्रेकडाउन तो हो गया है लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद में अभी तक ये रिटेस्ट करने के लिए इसको नहीं गया है और यहां पर ये रिटेस्ट कर सकता है देन फर्दर ये गिर सकता है। अब ये हुई अधूरी बात लेकिन पूरी बात क्या है देखिए यहां जहां चल रहा है इसी जोन से नीचे आ जाए आने दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि फ्रेंड्स इस लेवल से नीचे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर 4 कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो ऐसी स्थिति में बिटकॉइन की प्राइस डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग यहां तक देखने को मिलेगी। और यहां पर इस जोन के बीच में इसे नीचे कैंडल कभी दिखाती है तो ऐसी स्थिति में मैं इसके अंदर सेकंड फ्यूचर से ट्रेड लूंगा लेकिन यदि किसी 1% केस के अंदर यहां से नीचे आने के बाद इसको सपोर्ट नहीं बना पाता है देन फ्रेंड्स ये नीचे आएगा यहां तक। और मेरे भाई याद रखना कि जब तक बिटकॉइन की प्राइस इस प्रकार के इस चैनल के अंदर अब मूव कर रही है तब तक खतरे की घंटी प्रेजेंट टाइम पर तो बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर इस चीज का ब्रेकडाउन करने के बाद में फर्दर एक और बेयरिश चीज देखने को मिल रही है। तो यहां पर फ्रेंड्स हर चीज मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बता दी है याद रखिएगा सबसे बड़ा सपोर्ट लास्ट 2 मंथ से यह है और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लास्ट 2 मंथ से यह है और यही बिटकॉइन का सबसे पावरफुल नेक्स्ट लेवल का अपडेट है। पर अब हम बात करते हैं मीम कॉइन को लेकर जिसका चार्ट मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मीम के अंदर हमारे को इस प्रकार से चैनल के अंदर मूव करने के बाद में एक जबरदस्त डंप देखने को मिला मार्केट के अकॉर्डिंग और अब देखने को मिल रहा है इस जोन से नीचे हमारे को एक बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल। और मेरे भाई यह बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है यदि मार्केट स्टेबल होता है
बिटकॉइन डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको ऑल्टकॉइन्स के बारे में जो बात बताई वो फ्रेंड्स। तो यहां पर ये इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने के लिए इसके आसपास आएगा, देन एज मैं पहली लॉन्ग ट्रेड लूंगा, लेने के बाद में पहला टारगेट जो नहीं होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, यहां से यहां तक की 50% की रैली मिनिमम है। बस शर्त है कि थर्ड लेवल का डंप का कोई गैप ना हो। अब मेरे भाई यहां से नीचे आता है, आज कोई दिक्कत की बात नहीं, सपोर्ट यहां पर बना सकता है, यहां पर बनाया पहले भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं वेट करूंगा कि इसके अंदर भी हमारे को एक विक इस जोन के बीच में देखने को मिली। यदि जोन के बीच में जैसे नीचे देखने को मिली तो भी ऐसी स्थिति में मैं इसके अंदर सेकंड बड़ी लॉन्ग ट्रेड लूंगा। मेन कॉइन के ऊपर अपनी पूरी नजर बनाकर रखिएगा, मुझे बुलिश लग रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। और अब हम बात करते हैं यूनी कॉइन को लेकर, जिसका चार्ट सबसे पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। सबसे पहली बात यूनी के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसका आप सभी को पता है, लेकिन फ्रेंड्स यूनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कॉइन है, पावरफुल प्रोजेक्ट के साथ में, यूज केस के साथ में। और मेरे भाई यहां पर मैं टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत कुछ देख पा रहा हूं। देखिए जब यूनी के अंदर इस प्रकार का कुछ बन रहा था बियर मार्केट के ठीक बाद में, तब फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि अब बुल रन की स्टार्टिंग हो चुकी है और ऐसी स्थिति में यूनी यहां पर फट सकता है, और फटने के बाद में यहां तक यूनी गया। और मेरे भाई एकाएक यह पंप ही कर रहा था, मार्केट थोड़ा सा गिरा, साथ ही में पर इसके लिए न्यूज़ ठीक नहीं आई और उसके चलते ये नीचे देखने को मिला। देखिए सबसे कमाल की बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ज़ोन था और इसी रेजिस्टेंस ज़ोन का ब्रेकआउट करने के बाद में ये सारी कहानी हमारे को देखने को मिली थी। अब मेरे भाई इसी रेजिस्टेंस ज़ोन से नीचे आ चुका है, यहां पर ये ऑलमोस्ट हमारे को 55% का डंप के साथ में इसी रेजिस्टेंस ज़ोन से नीचे देखने को मिल रहा है, जो कि ये बता रहा है यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको पकड़ना चाहते हैं तो पहली बाइंग पूरे अमाउंट के साथ नहीं फ्रेंड्स, पांच में आप देख सकते हैं, यदि मार्केट और गिरता है तो और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मेरे भाई यहां पर यदि कोई व्यक्ति पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक बहुत ही जबरदस्त एरिया है जहां पर हमारे को यह देखने को मिला है एक मौके के साथ में। और मेरे भाई यहां से यदि रिकवर करता है देन फ्रेंड्स ये जो लेवल्स है वो बहुत जल्दी मिड टर्म के अंदर हिट होते हुए हमारे को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें क्या हो सकता है इसके लिए मैं इसका दूसरा चार्ट ओपन करना चाहूंगा। अभी मैंने यूनी का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी यूनी के अंदर हमारे को इस प्रकार से एक बुलिश चीज देखने को मिल रही है और बार बार यहां पर यह इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। यदि करता है ऐसी स्थिति में रिटेस्ट आएगा और रिटेस्ट के बाद में यहां से मैं ट्रेड लूंगा, पहला टारगेट होगा, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह और पांचवा यह, यहां से यहां तक फ्रेंड्स इसके अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि फ्रेंड्स कोई थर्ड लेवल का अचानक से बिटकॉइन के अंदर और ओल्ड कॉइन्स के अंदर डंप का गेम होता है तो ऐसी स्थिति में ये यूनिकॉइन फ्रेंड्स यहां पर ब्रेकडाउन करने के बाद में हमारे को सबसे पहले इस जोन के बीच में देखने को मिल सकता है। यदि देखने को मिला देन यहीं से मैं इसके अंदर सेकंड पोजीशन से ट्रेड लूंगा और लेने के बाद यही टारगेट्स होंगे। लेकिन मेरे भाई यदि इस बार यहां पर आ गया और इसको होल्ड नहीं कर पाया तो याद रखिएगा कि यूनी फ्रेंड्स हमारे को यहां पर ये डबल बॉटम बनाते हुए भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको पार्ट्स के अंदर यूनी के अंदर एंट्री लेनी है यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं ऐसी स्थिति में। अब हम बात करते हैं एक एक्स्ट्रा कॉइन को लेकर जिसका नाम है एआई, और फ्रेंड्स इसका चार्ट सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। एआई लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद में इस प्रकार साइडवेज मूव किया, यहां पर एक बुलिश चीज बनी और ब्रेकआउट किया और एआई का बुल रन स्टार्ट हुआ। मार्केट गिरा, गिरने के बाद फ्रेंड्स यह गिरना स्टार्ट किया, नहीं तो यह एकाएक बढ़ ही रहा था। मेरे भाई यह एक बहुत बहुत बड़ा मौका है जिसको एआई के अंदर जो कि 2024-2025 में अपना पहला बुल रन देखेगा उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाई यहां पर देखिए इस जोन के आसपास इसने पहले एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनाया था, यहां पर फिर सपोर्ट बना रहा है और इस प्रकार से हमारे को एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है और यहां पर यह चीज भी बुलिश देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप पहले पार्ट के साथ में इसको पकड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स यह वहीं आ गया जहां पर लिस्टिंग के बाद में इसने एक सपोर्ट बनाया था। और मेरे भाई यहां से यदि रिकवर करता है तो रिकवर करने के बाद में पहला टारगेट हो सकता है, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह। मैं पर्सनली इसको खरीदने वाला हूं क्योंकि फ्रेंड्स एआई का मैं वेट कर रहा था कि मुझे यहां पर मिले, लेकिन यह तो मुझे उससे भी नीचे मिल गया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर क्या करूंगा इसके लिए दूसरा चार्ट दिखाना चाहूंगा। अब मैंने एआई का चार्ट ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इसके अंदर भी हाई कॉइन की तरह बुलिश चीज देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर जितनी भी कैंडल्स बन रही है वो फ्रेंड्स पूरा जोर लगा रही है इसको ब्रेकआउट करने की और ये सारी कैंडल्स फ्रेंड्स बुलिश नजर आ रही है। यदि यहां पर इसका ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करता है, देन ऐसी स्थिति में मैं पहले लॉन्ग ट्रेड लूंगा छोटे टाइम फ्रेम पर, लेने के बाद पहला टारगेट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और चौथा यह होगा। इसके अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही मेरे भाई यहां से नीचे आता है, किसी की बात नहीं है, यहां पर एंट्री ले लूंगा, यहां इस जोन के बीच में ऐसे नीचे कैंडल की देखने को मिली तो ही मैं इसके अंदर सेकंड बड़ी लॉन्ग ट्रेड लूंगा। और इस प्रकार से आज का यह सुपर पावरफुल नेक्स्ट लेवल का अपडेट है फ्रेंड्स। फिर से मैंने समय से बहुत पहले आपको सबसे अलग और सबसे बड़े लेवल की बात बताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर मिल गई होगी और आपको वीडियो देखने में बहुत बहुत मजा आया होगा। यदि मेरे भाई आपको सब कुछ ठीक लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत दिन रात कर रहा हूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज लेकर आ रहा हूं, तो मेरे भाई यार अब एक लाइक करना भूलना मत। एक लाइक सिर्फ एक सेकंड के एक बटन से कर दीजिए यार, सोचिए मत, बहुत मेहनत लगती है। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।